देखो भैया, ऐसा है कि 10 दिन बचे हैं, यूजी एग्जाम है। डिपेंड करता है ये वीडियो आप कब देख रहे हो, एंड आई होप कि सबको एडमिट कार्ड मिल गया होगा। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना समझना, अगर हो सके तो इम्प्लीमेंट भी करना, हो सके थोड़ा बहुत आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए या फिर आप एग्जाम के प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से कर पाओ। बाकी जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे पहली बात यह कि जो स्टूडेंट नए हो इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पता नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, द रैंकर्स विजन करके है, उसमें आपको पिन कमेंट चेक करना है। वहां पे आपको एक नया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, IIIT रैंकर्स करके, तो उस ग्रुप में ज्वाइन होके उसका पिन कमेंट चेक करना। वहां पे आपको सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, लाइक PYQs, UG REP पे बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट, सारी चीजें वहीं पे मिल जाएगी, बिटसेट की PYQs। बाकी आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और पेड कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर इसी को अच्छे से करते हो तो वही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। साथ ही इस ग्रुप में काफी अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है, तो आप एक दूसरे की मदद से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो नाउ सबसे पहला सवाल आता है कि इस 10 दिन में हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो देखो, अब ऐसा है कि जितना सिलेबस तुमने पढ़ा है, जितना चैप्टर्स टॉपिक्स तुमने पढ़ा है, बस उसी पे काम करो। कोई एक्स्ट्रा चैप्टर्स एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड मत करो, खास करके जब एक तुम एवरेज स्टूडेंट में आते हो। एवरेज मींस कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड सबसे कॉमन सवाल रहता है रिड्यूस सिलेबस को लेके, तो भाई अगर तुमने ये 2 साल में नहीं किया है तो क्या तुम ये 1 या 2 वीक में कर पाओगे। तो हमने अभी तक जितना करा है, जितने चैप्टर्स को पढ़ा, चाहे वो 80% सिलेबस हो, 70% या फिर 90%, तो आपको सिर्फ उसी पे काम करना है, रिवीजन प्रैक्टिस उसी पे करते रहना है। उस टॉपिक में, उस चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ऊपर काम करो, कोई नया चैप्टर नया टॉपिक ऐड मत करो। बाकी सारे मटेरियल्स तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको किस टॉपिक पे किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रखी है तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखना है NCERT बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुला बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक, इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लगभग सारे ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको प्रॉपर्टीज पता हो। इसके साथ ही मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये सारे चैप्टर्स को आप थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी में रख सकते हो। इसके अलावा मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो मस्ट टॉपिक है। साथ ही कैलकुलस, फंक्शन एंड सेट्स, एटलीस्ट मैथ्स में आपको मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन आता हो। जरूरी नहीं है कि आपने हार्ड भी कवर करके रखा हो, अगर आपने मॉडरेट लेवल तक भी करके रखा है तो डेफिनेटली आपका चांसेस ज्यादा बन जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड नाउ फिजिक्स में एटलीस्ट NCERT लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे तुमने जितना ही चैप्टर्स टॉपिक्स को कवर करके रखा है, 80%, 90%, 75%, 70%, एटलीस्ट तुम्हारा उन सारे चैप्टर्स का टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जिन चैप्टर्स को तुम नहीं कर पाए हो, अगर उसमें से कोई इजी चैप्टर है जिसको कर सकते हो 1 दिन में, ठीक है, तो आराम से उस चैप्टर को लेके चल सकते हो। लेकिन हमें सिर्फ बेसिक लेवल तक का कॉन्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे सीधे आ जाना है या PYQs पे आ जाना है। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात और कि फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स को इग्नोर करके नहीं चलना है, उसको भी करना है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं, या फिर ज्यादातर आपको पैसेज टाइप क्वेश्चन में दिख जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 5 से 10 मार्क्स उससे बन सकता है। बाकी नो वन नोस एक्सेप्ट IIIT फैकल्टीज की क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, किस पैटर्न पे फॉलो होंगे। बाकी देखो, आपको हर चैप्टर को बैलेंस करके चलना है, नहीं तो बाद में बोलोगे भैया आपने बताया नहीं, आपके वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स मेंशन करने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं अभी तक, उनके अकॉर्डिंग इन सारे चैप्टर से थोड़ा बहुत तो वेटेज रहता है, और अक्सर इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं। बाकी देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए कि हमारा कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाए इंटरव्यू के लिए, ना कि हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लाइक RP में 50, सुपर में 50। तो अगर ये मेंटेलिटी है तो इसको पहले दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो। तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपका सुपर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको फिल्टर कर सके RP के रैंक के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस साल दोनों सेक्शन में निगेटिव मार्किंग है, तो हमें बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सुपर सेक्शन में जो होनी चाहिए वो 30 क्वेश्चन को लेके चलना है, कि किसी भी परिस्थिति में इस क्वेश्चन को अच्छे से टाइम देके सॉल्व करना है, ना कि जल्दबाजी में थोड़ी बहुत एरर मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक करके क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है। इस 30 क्वेश्चन पे अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि अगर आपके 25 मार्क्स भी आ जाते हैं ना, 20 से 25 या फिर 30 के अंदर रहते हो, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं चांस हो जाता है RAP सेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा रैंक तो RAP पे ही बनता है। एंड सुपर एक तरह से फिल्टर करने का है कि हाँ, आप अगर आप सुपर में क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तब आपको जाके RAP के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगी, रैंक मिलेगी। हालांकि मार्क्स दोनों का ऐड होता है, सुपर का भी RAP का भी, बट ज्यादा प्रायोरिटी RAP में होता है। तो सुपर सेक्शन में हमें 30 क्वेश्चन को ही लेके चलना है। अब इसके बाद इस 1 घंटे में आपके पास जितना टाइम बचता है, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, तो ये टाइम हमें, अब हमारे पास जितने क्वेश्चन है, लाइक 20 क्वेश्चन बचे हैं, 15 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, तो उस बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग आप बाकी क्वेश्चन पे अपना टाइम दे सकते हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो
छोड़ना भी नहीं है लेकिन गलत भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपका 25 से 30 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है तो वो इनफ है आपको फिल्टर करने के लिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आरईपी सेक्शन, यहाँ पे हमें 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलना है। हालांकि अब इसमें से जितना सॉल्व हो पाए वो तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा, बट एटलीस्ट हमें इतना टारगेट लेके चलना है। एंड यहाँ पे आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, बट एक चीज ध्यान रखना ओवर कॉन्फिडेंस में आके, ऐसा नहीं कि 45-50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए। तो सबसे ज्यादा हमें आरईपी सेक्शन पे फोकस करना है कि 100 में से लगभग 70 से 80 मार्क्स को टारगेट लेके चलना है। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपने सुपर सेक्शन में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर किसी स्टूडेंट से सुपर में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए आरईपी के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हर साल 1-2 ऐसे केसेस होते हैं जिनके भले ही सुपर सेक्शन में ज्यादा मार्क्स हो, आरईपी में कम हो एंड उनका रैंक कम बना हो, बट अगर इंटरव्यू अच्छे से जाता है, इंटरव्यू में आप फैकल्टी को इम्प्रेस कर पाते हो 5 से 10 मिनट 20 मिनट के अंदर कि आप हाईली मोटिवेटेड हो IIIT H के रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम में, तो ये भी मैटर नहीं करता कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, भले ही आपका मार्क्स ज्यादा हो, और अगर आपके इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे दोनों केस में सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, तुमने इंटरव्यू तुम्हारा एवरेज ही गया, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में बस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है तो वो निगेटिव फैला रहा है, तो वो बस ये देखना चाहते हैं आप कितने मोटिवेटेड हो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए, ना कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, कि आपने 10th और 11th 12th सही काफी अच्छी कोडिंग कर रखी है, ऐसा भी नहीं है। एंड डेफिनेटली जिसने कर रखी है उसको थोड़ा बहुत फायदा मिलता है अगर वो इंटरव्यू में इंप्रेस कर पाते हैं, दैट्स द मेन थिंग। बाकी कोई भी हो, इंटरव्यू में आपको 15 से 20 मिनट 30 मिनट में आपको जज नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी मेंटेलिटी को, क्योंकि ना तो आप उस फैकल्टी को पर्सनली जान रहे होते हो, ना वो फैकल्टी आपको जान रहा होता। बाकी इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है इसके लिए भी गाइड कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और हाँ, एग्जाम के चक्कर में काफी ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लेना, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनसे कभी एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, क्योंकि वो बाद में बहुत हर्ट करती है। हम जो कर सकते हैं, हमें जो करना चाहिए, मेहनत, प्रैक्टिस, रिवीजन, वो हमें करते रहना चाहिए, वो हमें नहीं छोड़ना है। एक चीज तुम लोग प्रॉमिस करो कि आई डोंट नो कि इस बार मैं तुम लोगों का कितना हेल्प कर पाया हूं, अगर वो 1% भी है तो मेरे लिए काफी है, बट प्रॉमिस करो कि इस साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हो वो ट्राई करना एटलीस्ट हमारे साथ शेयर करने का, ताकि इस प्रिपरेशन को, इस स्ट्रेटजी को, इस मेंटरशिप को और भी नेक्स्ट ईयर काफी इंप्रूव कर सके, 50-60% तक ला सके। बाकी तुम लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहो, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे मॉक टेस्ट लाने का फ्री में, एंड काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी लाने का, जिससे तुम्हारा एक प्रॉपर वे में हेल्प हो सके। बाकी ज्यादा स्ट्रेस मत लो फालतू चीजें सोचने के बजाय, फालतू टाइम वेस्ट करने के बजाय, तुम अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, शायद थोड़ा हेल्प हो जाए, थोड़ी प्रिपरेशन इंप्रूव हो जाए। तो किसी चीज के पीछे फालतू टाइम सोचने के बजाय ना तुम अपना टाइम प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं तुम्हें बाद में फायदा करेगा, भले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूजी एग्जाम से सारे फ्री मटेरियल्स आपको यही मिलने वाले हैं। बाकी हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।